अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है सेल्फ फ्रैक्शनेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा एक टॉपिक है। ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड की मदद से आज हम सेपरेट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को और सेल के कंपोनेंट्स को। सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने वाला जो मेथड है ना, उसको कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अब जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन सबको सेपरेट करेंगे। मगर ये सारे के सारे सेपरेट होंगे ऑन द बेस अपॉन साइज और डेंसिटी। मतलब डेंसिटी और साइज के लिहाज से सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने वाला जो मेथड है, दे आर कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्शनेशन है। अब सेपरेट करने के दो स्टेप्स। पहले हम होमोजीनाइजेशन करेंगे, फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। होमोजीनाइजेशन का मतलब क्या है? हम एक ऐसा मटेरियल बनाएंगे जो होमोजीनेट होगा। होमोजीनेट का मतलब एक जैसा। आपने कोई भी सेल का या टिश्यू का पार्ट लिया, आपने उसको होमोजीनेट बनाना है। इट इज़ अ प्रोसेस टू फॉर्म अ सेल होमोजीनेट। होमोजीनेट का मतलब होमोजीनियस मैस ऑफ सेल्स, एक जैसा आपने मिक्सचर बनाना है, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म फॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल है। जैसे आप ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फूड ब्लेंडर लिया, उसमें मिल्क शेक बनाना बनाना का, तो मैंने मिल्क भी डाला और बनाना भी डाला और शुगर भी डाली। जब उसको मैंने मिक्सर उस ब्लेंडर को चलाया, तो आपके सामने जो मिल्क शेक बना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जैसा आपको मटेरियल नज़र आएगा। ये बड़ा यूनिफॉर्म मिक्सर होगा, ठीक है, या होमोजीनस होगा। तो आपने जिस सेल के अंदर से आपने ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना है, आपने उस सेल या उन टिश्यू को सबसे पहले क्या करना है? होमोजीनेट करना है। और इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेल होमोजीनाइजर। हम सेल होमोजीनाइजर को यूज़ करेंगे और होमोजीनेट बनाएंगे। अब वो सेल होमोजीनाइजर होगा क्या? या फूड मिक्सर होगा या ब्लेंडर होगा। इन दोनों की मदद से हम सेल होमोजीनेट बनाते हैं। चले देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे सेल्स को इन अ सूटेबल मीडियम विद करेक्ट पीएच, आयोनिक कंपोजिशन, टेम्परेचर। हमने इन चीज़ों के लिहाज से हमने सबसे पहले सेल्स को ग्राइंड करना एक सूटेबल मीडियम के अंदर। और इस जगह पर एक और भी चीज़ होगी, उसका नाम क्या होगा बेटा? एंजाइम्स। और वो एंजाइम का एक ही काम है, जैसे काफ़ी ज़्यादा एंजाइम जो प्लांट के सेल्स होते हैं ना, प्लांट के सेल आपस में जुड़े होते हैं, उनको जोड़ने वाला सिमटिंग सब्सटेंस होता है, उनको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए एंजाइम का भी रोल होगा। जैसे पेक्टिनेज एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है मिडल लैमिला अमंग प्लांट सेल। एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल के साथ अटैच होता है, उसके जोड़ने वाला कौन होता है बेटा? केमिकल होता है। उस केमिकल को कहते हैं सिमटिंग सब्सटेंस। इस केमिकल को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है बेटा? पेक्टिनेज की। हम इसको डालेंगे तो ये बेटा इसको ब्रेक कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले होमोजीनाइजेशन करने के लिए एक आला लेना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जिसके अंदर रख कर हम मेरे बच्चे सेल्स को ग्राइंड कर सकेंगे। ये आप ऐसे ही कह समझ रहे, पंजाबी दे कहते हैं ना कुंडी डंडा। तो कुंडी डंडे से क्यों होते? थोम अदरक पाया, उन्हें कुटिया, कुटन के बाद पेस्ट बना चढ़े, और जो पेस्ट है ना वो होमोजीनेट होता है, ठीक। अब बच्चों जो पेस्ट बन गया, उस पेस्ट के अंदर से हमने सारे ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए अगली जो टेक्निक होगी वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेट करेंगे सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर और साइज और डेंसिटी के लिहाज से हमने अब सेपरेट कर देना है किसको बेटा? सब्सटेंसेस को। ये ऐसी है जो घर में यूज करने वाला जो स्पिनर है ना, स्पिनर जब आप चलाते हैं तो कपड़ों से जितना पानी होता है वो सुराखों से बाहर निकल जाता है। वो जो फोर्स लग रही होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ऐसी फोर्स की मदद से हमने साइज और डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट करना सब्सटेंस को, दे आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मशीन, और उस मशीन का नाम होगा सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब होता क्या है, हमने सारा का सारा जो पेस्ट बनाया था, जो हमारे पास सेल कंटेंट आ चुका है होमोजीनेट, हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो कंटेंट ऑफ सेल्स आर केप्ट इन ट्यूब्स, हमने ट्यूब्स के अंदर डाल दिया। अब इस ट्यूब को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और एग्जर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि सारा मटेरियल जो सा होगा वो सेपरेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और इस मेथड को कहते हैं, दे आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरह की होती है, एक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, एक है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। दो तरह की टेक्निक है, आपको मैं पहले बता दूं, एक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, एक है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, देखिए जरा गौर से सुनेगा और पॉइंट को समझेगा। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है,
इसके अंदर ब्लड है। आपने इस टेस्ट ट्यूब को डाला मशीन के अंदर और इसको घुमाया, जब ये रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद आपने इसको निकाल के एक जगह पर रख देना। जितनी भी वेट वाले सेल्स होंगे ब्लड के अंदर वो नीचे बैठ जाएंगे, उससे हल्के उससे ऊपर, इससे हल्के उसके ऊपर, उससे हल्के उसके ऊपर, ये लेयर्स बन जाएगी। इसको कहते हैं डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब सेपरेट किया सेल कंपोनेंट्स को ऑन द बेस ऑफ साइज और डेंसिटी। और किस में सेपरेट किया, इन द ट्यूब कंटेनिंग आयोनिक मीडियम, आयंस वाला एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर लेयर्स की फॉर्म में साइज के लिहाज से सेपरेट कर देना, दे आर कॉल्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन है। ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में ये देखते हैं सबसे पहले नीचे कौन बैठता है, वो कौन सा सबसे ज़्यादा वजनी है, कौन सा ऑर्गेनली जो वेट क्लास से सबसे पहले नीचे आया, कौन सा उससे लेस वेट वाला है, उससे कौन लेस वेट है, उससे कौन लेस वेट है, इसको देखने के लिए वेट के लिहाज से सेपरेट करना, दे आर कॉल्ड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। मतलब सेंडिपेडेशन सेडिमेंटेशन रेट फॉर अ पार्टिकल, नीचे बैठने की जो रफ्तार है किसकी बेटा, पार्टिकल की, ऑफ अ गिवन साइज एंड शेप, उसके साइज के लिहाज से शेप के लिहाज से मेजर करते हैं, हाउ फास्ट द पार्टिकल सेटल और या सेडिमेंट्स, किस लिहाज से कितनी तेजी के साथ पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं, ये हम जो टेक्निक जो यूज करते हैं इसको देखने के लिए देखो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेडिमेंटेशन रेट, नीचे बैठने का आप ये देख लेंगे कि नीचे बैठने का जो वेट है वो किसका ज़्यादा और किसका कम है, कौन जल्दी बैठ रहा है, कौन बाद में बैठ रहा है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, आपने घुमाया, घुमाने के बाद इसको रख दिया, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वेट वाला होगा वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद उससे वेट वाला आएगा, फिर उसके बाद उससे वेट वाला आएगा। जो नीचे बैठ जाता है ना उसको कहते हैं पैलेट, ये आपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जो नीचे बैठ गया देयर कॉल्ड पैलेट, मतलब ऐसा कंटेंट जो सेडिमेंट हो गया इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, जो नीचे बैठ गया ऐसे को कहते हैं सेडिमेंट को, देयर कॉल्ड पैलेट है। और जो अभी ऊपर तैर रहा है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जो रिमेन सस्पेंडेड है अभी तक ऊपर मौजूद है, अबव द सेडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में ऊपर मौजूद है, नीचे बैठा नहीं है, देयर कॉल्ड सुपरनेटेंट। तो जो नीचे बैठता जाएगा, जो नीचे बैठा हुआ नजर आएगा वो पैलेट होगा, जो ऊपर नजर आएगा देखो सुपर नेटेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जिसकी मदद से हमने दो टेक्निक निकाली है, डेंसिटी के लिहाज से और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा ये टॉपिक था, एज इट इज ही पेपर में लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।